हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मशीन को साफ करने का तरीका। और अगर आपकी मशीन धागा तोड़ती है या धागा फेंकती है ज़्यादा लंबा लंबा है, तो उसको और कितनी जगह पर इसमें तेल डाला जाता है वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है एक टीथ ब्रश की, और एक पेचकस लिया है, और बड़ी वाली सुई ली है, एक कपड़ा लिया है, और हमने इसका ऑयल लिया है जो इसमें तेल डालेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको खोलना है मशीन को इस तरीके से। इसको निकाल के अलग रख लेंगे। इन सब चीज को हमें सफा करना है। इसकी निडल को भी निकाल लेंगे। इसको अलग रख लेंगे सबसे पहले, और इसे हल्का टाइट कर देंगे ताकि ये निकले ना। इसके पैर को भी खोलेंगे। इसको भी निकाल के रख लेंगे। ये सारी चीज़ें हमें सफा करनी है बिल्कुल। इनकी वजह से भी धागा खराब देती है और बार बार मशीन धागा तोड़ती है। इसकी ये वाली पत्ती भी खोल लेंगे। इसे निकालेंगे यहाँ से। इस चीज़ का ध्यान रहे कि जो भी हम इसकी ये निकाल रहे हैं तो इन्हें अलग अलग ही रखें, एक साथ ना मिला दें। अब ये वाली चीज़ निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत ट्रेस जमी हुई है, इसको हमें सफ़ा करना है। तो ये हमारी इस बुर्श से ही होगी। और अब इसकी डिब्बिया को खोल लेंगे। इसको पूरा खोल के और साफ करना है मशीन को। ये बहुत आसानी से सफा हो जाती है। हर छोटी सी चीज़ के लिए मिस्त्री के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए कितनी गंदगी है, तो इसे सफा करेंगे। इसको पूरे को इसको भी खोल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को सफा कर लेते हैं। मैंने अपनी मशीन काफ़ी दिनों से साफ नहीं की थी, तो सोचा सबके साथ ही इसे शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे साफ करते हैं। देखिए ये बुरश से ही साफ होगी। ये चीज़ें हैं जो इन्हें आप बुरश से ही सफा करें। जब हम सिलाई करते हैं तो इसमें काफी धागे से इर्ज जाते हैं। इसे अच्छे से हम साफ कर लेंगे। इसे इसकी देखिए हर जगह में अच्छे से बुरश से साफ कर लीजिए। अब देखिए इसको लगाएंगे। इसे हमने सफा कर लिया है, इसके बाद इसको लगाना है। देखिए अगर यहाँ पर हल्की सी डस्ट जम जाए तो इस सुई से ही निकाली जाएगी, वैसे नहीं आई है ये बुरश से भी। इसीलिए हमने सुई ली थी। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जगह में रह जाती है, तो ये नकली चीज से ही निकलती है। अब इसे लगा लेंगे। सबसे पहले इसको हम इस तरीके से रखेंगे और फिर इसकी पत्ती को रखेंगे और उसके ऊपर इसे कस देंगे। इसे टाइट कर लेंगे, ये खुल ना जाए बाद में। तो ये देखिए ये तो हमारी सेट हो चुकी है। इसमें तेल डाल देंगे। अब इसको लगाना है।
उसके जो पेच हैं इनको, जौन सा पेच हमने जिधर से निकाला है उधर की ही साइड लगाना है, उल्टे सीधे ना लगाने हैं। इनको टाइट कर लेंगे। अब देखिए इसको हमने टाइट कर लिया है अच्छे से, और इसके बाद इसको लगाएंगे। देखिए देखिए इसको एक बार ऐसे चला के देख लें, इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से घूम रही है, तो इसी जगह पे इसके बोल्टों को लगा देंगे। अच्छे से इन्हें टाइट कर लेंगे और देखिए इस तरीके से चला के देख लेंगे, बिल्कुल स्मूथ है। अब इसके बाद में हमें इसको लगाना है, अब इसको इसी के पास में इसी तरीके से पकड़ के और इस पेज को कसना है। अच्छे से टाइट से कस लेंगे इसको भी, और इस चीज को हम ऊपर ही उठा के रखेंगे तब कसना है। इस तरीके से अब इसमें तेल डाल लेंगे। तो देखिए सबसे मेन चीज है यहाँ पर भी तेल जरूरी है डालना। इसके हर एक पुर्जे में तेल डालना है। अब देखिए इसको हमें इस तरीके से रखना है, और इसके यहाँ पर नीचे जितने भी पुर्जे हैं, जितनी भी चीजें हलती हैं, सब में तेल डालना है। इसकी ये जितनी भी मेन चीजें हैं तो इनमें हमें तेल जरूर डालना चाहिए। अब देखिए इसको लगा लेंगे इसकी पत्ती को। अब इसको भी साफ करके बिल्कुल इसको भी लगाएंगे। इसको टाइट कर लेंगे। अब देखिए बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब इसे पीछे से भी साफ करेंगे और तेल डालेंगे यहाँ पर। इस चीज को भी बिल्कुल सफा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमें तेल डालना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से घुमाने से इसमें एक बुल्ट नजर आता है, उसके ऊपर हमें तेल डालना है। अब इस चीज को खोलेंगे, चीज को इस तरीके से ऊपर कर लेंगे और इसमें तेल डालेंगे। इसमें पूरे में अच्छे से तेल डाल लेंगे और अब इसे लगा देंगे, इसे टाइट कर लेंगे। देखिए जो भी इसके ऊपर ये
होल्स होते हैं, इनमें भी हमें तेल जरूर डालना चाहिए, क्योंकि ये अंदर से तो खुलती नहीं है, तो अंदर भी इसमें पुर्जा चलते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर तेल जरूर डालना चाहिए। अब अच्छे से इसमें पूरे में हमने तेल डाल लिया है ये, अब इसकी नीडल को लगा देंगे। टाइट कर लेंगे, अब देखिए इसको कपड़े के ऊपर चला के देखना है। देखिए अगर आपको हमारी ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज जरूर लाइक करें। काफी व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को देख तो लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्होंने पहले से ही कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखिए कितनी अच्छे से मैं सिलाई दे रही हूँ। अब इसे थोड़ी देर ऐसे ही रख देंगे, जो इसको हमने ऑयल डाला है वो अच्छे से पुर्जों में सेट हो जाएगा। तो आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।